हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रकाश है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे से होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बहुत ही अच्छा और सेफ हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, मैं रशिया में हूं। अभी इस वक्त मॉस्को सिटी में हूं और मैं यहां पर जॉब करता हूं। ये मेरा ऑफिस है। फ्रेंड्स, अभी कुछ समय से यहाँ पर, पिछले लास्ट वीक से यहाँ पर लॉकडाउन भी करीब करीब ख़त्म हो गया है। हम लोग भी रेगुलर ड्यूटी पे आना शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा की तरह आपको यहाँ पर भी दो जानकारी शेयर करना चाहता हूँ आपसे। एक तो है मोबाइल से रिलेटेड और एक है मॉस्को की जर्नी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं जिन्होंने मेरा ये वीडियो बहुत पसंद किया, जो मैंने दो वीडियो पहले डाले हुए हैं, बहुत ही लाइक किया, उनको शेयर किया और सब्सक्राइब भी किया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे और व्यूअर भी बढ़ रहे हैं। आप सब लोगों का आशीर्वाद है और आपका साथ है। इसी तरह से साथ बनाए रखिएगा, इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। आगे भी मैं आपके साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करूंगा, अच्छी अच्छी जो भी है मोबाइल रिलेटेड होंगी बातें वो आपके साथ शेयर करूंगा, और जो भी रशिया के बारे में बातें होंगी जो मैं जानता हूं वो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो फ्रेंड, मेरे काफ़ी फ्रेंड उन्होंने पूछा है, छोटी सी बात है, उन्होंने पूछा है कि हम लोग जब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं तो वो ओनली 30 सेकंड का ही होता है। अगर हम चाहें उसको बड़ा रखने के लिए, 1 मिनट वाला, 2 मिनट वाला, 3 मिनट वाला, उसको कैसे रखें? तो फ्रेंड्स, यहाँ क्या होता है कि मैंने नोट किया था, अभी लॉकडाउन का समय था, उससे पहले व्हाट्सअप देता था लिमिट 30 सेकंड की, लेकिन लॉकडाउन के समय में ये लिमिट हो गई थी 15 सेकंड की ओनली। तो हम लोग देखते थे किसी का स्टेटस, तो हमको लगता था कि क्या लगाया, आधा अधूरा होता था, उसमें पूरी जानकारी होती नहीं थी, वो स्टेटस बंद हो जाता था। लेकिन उनको पता नहीं है कि वो लॉकडाउन के समय में 15 सेकंड की लिमिट हो गई थी। तो अब वापस वो बढ़ करके 30 सेकंड पर आ गई है। लेकिन मैं आपसे एक ऐप के बारे में एक ऐप शेयर करूंगा, जो आप अगर ऐप यूज़ करेंगे तो उससे आप अपनी जो भी होगी 1 मिनट का वीडियो, 2 मिनट का वीडियो, 3 मिनट का वीडियो, वो व्हाट्सएप पे कंटिन्यूसली लगा सकते हैं बिना किसी कट के। आपको जब भी 30 सेकंड कंप्लीट होंगे तो अगला पार्ट 30 सेकंड का वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू आ जाएगा। इसमें आपका कोई कट नहीं आएगा, इसके अंदर आपका कोई भी ऐसा नहीं आएगा कि आपने पहले 30 सेकंड का किया, उसके सेकंड पार्ट में 30 सेकंड के एंड वाला फिर सीन शुरू हो जाता है। इस ऐप से आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, ये कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है। तो चलते हैं मेरी फ़ोन की स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है और उसके क्या फीचर्स हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलते शुरू करते हैं मेरी फ़ोन की स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, मैं आ गया अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है ऐप स्टोर। ऐप स्टोर के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है कट स्टोरी, CUT कट STORY कट स्टोरी। जैसे मैंने टाइप किया, आप भी ऐसे टाइप करना, तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की ऐप आ जाएगी, जो इस तरह का लोगो दिखेगा आपको, ऐसी ही लोगो वाली ऐप पे क्लिक करना और आप ये ऐप डाउनलोड करना। मैंने ये पहले डाउनलोड की हुई है इसलिए मुझे यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आपने ये डाउनलोड नहीं किया है तो आपको गेट का ऑप्शन दिखाएगा या इंस्टॉल का दिखाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आप ये ऐप इंस्टॉल कर लेना। तो चलता हूँ मैं अपनी कट स्टोरी की ऐप पे। इससे पहले जो 3 ऐप आपको दिख रही हैं, इनका मैं रिव्यू पहले दे चुका हूँ, आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। तो मैं आता हूँ इस ऐप पे और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक वीडियो जो कि 1 मिनट से ऊपर का हो। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला वीडियो, मुझे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन है एक ऐड का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे नीचे राइट कॉर्नर में एक और ऑप्शन है, ये एरो का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। एक है इंस्टाग्राम का, यहाँ पर आपको स्टोरी डालने के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए होता है तो 15-15 सेकंड का ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। अगर आपको फेसबुक के लिए चाहिए तो ये 20 सेकंड का वीडियो अपने आप कट हो जाएगा। अगर आपको व्हाट्सअप के लिए चाहिए तो ये 30-30 सेकंड के लिए अपने आप वीडियो कट कर देगा। एक ऑप्शन और भी IGTV का 15 सेकंड के लिए, टिकटॉक के लिए चाहिए तो 60 सेकंड का, और अगर आपको स्नैपचैट के लिए चाहिए तो 10 सेकंड का ये वीडियो अपने आप कट हो जाता है। आपको इसमें कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप कट हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर एक नीचे का 3 ऑप्शन और भी हैं, इसमें एक ऑप्शन है कस्टम का। अगर आपको ये वीडियो कस्टम पे क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से वो कस्टम कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कितने सेकंड का चाहिए, 1 से लेकर के 1 मिनट का। तो मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक आएगा ऑप्शन, आप अपने हिसाब से इस वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं कितने सेकेंड का आपको वो रखना है। तो मुझे ये अभी फ़िलहाल नहीं रखना है, मुझे सिर्फ व्हाट्सअप के लिए चाहिए तो मैं व्हाट्सअप पर ही क्लिक करूँगा। तो ये देखेंगे कि मेरा वीडियो, अगर मैं व्हाट्सएप क्लिक करूँगा तो ये वीडियो अपने आप ही 30-30 सेकंड के 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये देखो मेरा वीडियो अपने आप ही 30-30 सेकंड के तीन पार्ट में कट हो गया। अब इसके नीचे एक एरो है, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे तीनों वीडियो जो एक वीडियो थे वो तीन पार्ट में हो गए हैं, तो मेरे ये तीनों पार्ट गैलरी में जाके सेव हो जाएंगे। उसके बाद ये मैं अपने हिसाब से व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकता हूँ, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, बीच में कुछ भी कट नहीं आएंगे, ये कंटिन्यूसली आपके तीनों पार्ट चलेंगे, तो आप किसी को भी एहसास नहीं होगा कि बीच में कट रहा है या कोई इसमें रिपीट हो रही है कोई पार्ट। तो इस ऐप का खूब आप इंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी ऐप है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये ऐप, उम्मीद आपको बहुत पसंद आई होगी। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और आप इसको मल्टी यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी, जैसे मैंने बताया था इसको, इसमें आपको ये व्हाट्सएप में भी यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको टिकटॉक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरी जानकारी मुझे आपको ये देनी थी रशिया के जर्नी के बारे में। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं वो पूछ रहे थे कि आप कब जर्नी शुरू कर रहे हैं रशिया की। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं, जिन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की है कि हमें भी आप लेके चलो अपने साथ और हमें भी आप रशिया की या मॉस्को की जर्नी कराओ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो मैप देख रहे हैं ये वर्ल्ड मैप नहीं है, ये रशिया का मैप है। तो फ्रेंड्स ये पूरा रशिया का मैप है, ये यहाँ से शुरू होता है, जैसे कि मैं जानता हूँ यहाँ पर जापान है, जापान से होता हुआ ये पूरा चाइना क्रॉस करता हुआ मंगोलिया और ये कजाकिस्तान क्रॉस करता हुआ इंडिया पाकिस्तान सब नीचे रह जाते हैं और ये यहाँ पर पूरे यूरोप तक कंप्लीट है। यानी कि आप देखेंगे काफ़ी सारे टाइम जोन में बटा हुआ है, एक छोर से दूसरे हिस्से अगर हम लोग टाइम काउंट करेंगे तो 12 घंटे का फर्क आ जाता है। अगर एक फैमिली का मेंबर यहाँ बैठा है दूसरा फैमिली का मेंबर वहाँ बैठा हुआ है तो करीब 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट नोट कर लिए हैं, काफ़ी सारे मैंने मार्क कर लिए हैं जहाँ पर मैं आप सब लोगों के साथ विजिट करूँगा और घूमेंगे, हम लोग इस समर का पूरा इन्जॉय लेंगे। तो हम लोग हैं यहाँ पर इसका मॉस्को सिटी में, ये है यहाँ पर मॉस्को सिटी और ये पूरा रशिया, इतना बड़ा रशिया है। तो हम लोग मैंने सारे पॉइंट नोट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये थी थोड़ी सी मॉस्को के मैप के बारे में जानकारी। फ्रेंड्स कल से लेकर के हमारी जर्नी शुरू होगी रशिया की, मैं कल एक अपना फर्स्ट सब्सक्राइबर आपके सामने उनको इंट्रोड्यूस करूंगा, बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर है। उसके साथ मैं आपको मॉस्को की जो भी पॉइंट्स होंगे उसकी जानकारी दूंगा और थोड़ा सा जो भी मॉस्को की लाइफ है उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक, आप सबकी दुआ मेरे साथ रहेगी हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ब्लेसिंग, जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।